हेलो एवरीवन, जय श्री राम, बजरंग बली की जय एंड वेलकम इन माय अनदर डे गाइस। देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरे भाई जो चीज फाइंड करते हैं, जैसे एलसीएम निकालने तो ऊपर एलसीएम होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, एचसीएफ होना चाहिए, कंफ्यूज मत हो। हमारी लाइफ चैलेंजेस से भरी होती है और बिना चैलेंज के लाइफ में खुशियों का और हार्ड वर्क का वैल्यू नहीं होता है। तो आज से मैं चैलेंजिंग स्टडी शुरू करने जा रही हूँ, जहाँ आज मैं सुबह से ही डिसाइड की हूँ सीजीएल का सिलेबस को मैं बनाऊँगी। जो भी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो मैथ हो, हमेशा शुरुआत मैं मैथ से करूँगी ताकि नींद ना आए, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, उसे मैं आज पूरा दिन स्टडी करने की कोशिश करूंगी और देखती हूँ कि मेरा कितना प्रिपरेशन हो पाया है, क्या मैं एटलीस्ट मैथ के लिए तैयार हूँ या नहीं। सो चलिए पहले मैथ बनाते हैं, लेट्स सॉल्व। समय हमारे अनुसार नहीं बल्कि हमें समय के अनुसार चलना चाहिए और यही गलती हो गई आज मेरे साथ। फर्स्ट डे का चैलेंज था और फर्स्ट डे ही मेरे को लेट हो गया, जिसके कारण सुबह में सिर्फ मैं मैथ बना पाई हूँ। तो किचन का काम और मॉर्निंग वर्क करने के बाद बिना ब्रेकफास्ट के, अदरवाइज़ बहुत नींद आता है खाना खाने के बाद, करेंगे सीजीएल के चैलेंज नंबर सेकेंड को कम्प्लीट। और चैलेंज में स्टडी करने का मज़ा ही कुछ और होता है, जिसमें दिमाग पर प्रेशराइज होता है एग्ज़ाम लेवल का, एग्ज़ाम लेवल का नहीं पर होता है। शुरू किया है, ठीक है ना, ये दिया जाता है अच्छे आचरण के लिए, ठीक है ना, अच्छे आचरण के लिए ये दिया जाता है। और ये दिया जाता है BCCI प्लस मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के तत्वाधान से। आपको याद हो ना हो लल्ला, अभी एक दो महीने पहले एक स्मार्ट स्टूडेंट और एक हार्ड वर्क स्टूडेंट में यही अंतर है कि अगर चीज़ों को हम कितनी भी अच्छी तरीका से पढ़ें और उसको हम ना ही रिकॉल करें, ना ही रिवाइज करें, ना ही उसे दोबारा पलट कर देखें, ना ही उस पर सेट लगाएं, तो वो पढ़ना बेकार हो जाता है। और हमेशा हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 6 महीना के इस प्रिपरेशन, गवर्नमेंट प्रिपरेशन में, जहाँ मुझे कहीं भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, इस बात का ज़रूर एक्सपीरियंस हो गया है कि जितना भी पढ़ें वो माइंड में फिट रहना चाहिए। और हम तो भगवान हैं नहीं कि हमारे पाप और पुण्य दोनों कर्म याद रहेंगे, तो उसे हमें रिकॉल करते रहना चाहिए, उसे रिवाइज करते रहना चाहिए, हर कुछ अंतराल पर चीज़ों को रिपीट करते रहना चाहिए। इससे चीज़ें माइंड में फिट रहती है, एटलीस्ट एग्ज़ाम तक तो, और बाद में भी काम आता है। और यही चीज़ को मैं स्टडी के दौरान एक्सपीरियंस की हूँ और हर कोई एक्सपीरियंस करता है। यही फ़र्क हो जाता है स्मार्ट और हार्ड वर्क की स्टडी में। तो यहाँ पर गाइस, लूसेंट का बुक से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो अभी मुझे एक भी चीज़ याद नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पढ़ते जा रहे थे लेकिन बहुत सारा चीज़ था जो कि पहले पढ़े थे, तो वो चीज़ें रिकॉल हो रही थी। और मैप रखने से पढ़ने में बहुत सारा फ़ायदा होता है। और सच कहें तो चैलेंज का ये पार्ट मेरा जो है वेस्ट हो गया, एक भी चीज़ माइंड में नहीं फिट हुआ। लेकिन हाँ, जो जो अफ्रीका के बारे में मैं पढ़ी थी वो सारी चीज़ें ज़रूर रिकॉल हो गई और अच्छा लगा कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो याद है। और ये मेरा चैलेंज का सेकेंड पार्ट बहुत ही कम मेरे को नॉलेज दिया। तो चलिए गाइस, चलते हैं अगले पार्ट में। और शाम का समय हो गया है और एक बार फिर से मैं मैथ का क्लास कर रही हूँ, बिकॉज मैथ बनाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्वेश्चन इजी थे, इसीलिए जल्दी जल्दी इस सेट को क्लास नंबर 2 यानी सेट नंबर 2 को जल्दी जल्दी बना लेते हैं ताकि हार्ड लेवल तक पहुँचे और प्रैक्टिस ज़ोरदार हो सके। और इंग्लिश मैथ का कंप्लीट करने के बाद करीब आधा घंटा के बाद अब समय है एटलीस्ट इंग्लिश का। तो इंग्लिश का क्लासेस मुझे ठीक से मिल नहीं रहा था, यहाँ पर टॉपिक वाइज था और मुझे सेट लगाना था, तो इसी सब के जद्दोजहद में
10 से 15 मिनट चला गया बिकॉज सीजीएल का ये मेरा फर्स्ट डे क्लास था, डे चैलेंज। और इसी तरह से गाइस आगे सीजीएल की प्रिपरेशन और कुछ नए एक्सपीरियंस जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और मेरे साथ रहिएगा फॉर एवर। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले गाइस बीपीएससी में की हुई गलती को या कहें कि सिलेबस कंप्लीट ना होने के कारण मैं अब बिहार का पूरा जितना भी टॉपिक है उसे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। और सच कहूँ तो अपने स्टेट के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता भी नहीं था कि हमारे बिहार में है। और नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस मैं बिहार का मैप ज़रूर दिखाऊँगी रेडीमेड, और ये मेरा हाथ से बना हुआ मैप। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट, थैंक यू।